नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइटन डिजेस्टर एक ऐसा डिजेस्टर जिसमें एक सम्बरीन गई थी टाइटेनिक का व्रक देखने के लिए लेकिन खुद ही उधर कैरोस्ट्रेटिक इम्प्लोजन की वजह से इम्प्लोड हो गई और टुकड़ों में पीसीस में नीचे टाइटेनिक की, की जो बो है उसके ठीक थोड़े ए, दूर आगे उसके ढेर सारे टुकड़े होकर नीचे उसके व्रग बन गए तो चलिए इसको समझते हैं तो फिर पहली बात है इसमें बैठे थे पांच लोग पहले एक हैरी है जो जेफ बेजोस के भी साथ गए थे स्पेस में दूसरा था स्टॉक रश एक सीईओ फाउंडर थे ओशन गेट के सी थे फिर तीसरे में आता है पाउल हैंनरी एक 77 सेवन ईयर ओल्ड मैन पाउल हैं जिनको व्रैक के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता था ये पहले भी टाइटेनिक के व्रैक को विजिट कर चुके थे और आखिरी में आता है पाकिस्तानी बिजनेसमैन सुलेमान दाऊद और शहज दाऊद ये इन, इनके बेटे को डर लगता था लेकिन फिर भी अपने पापा को कंपनी देने के लिए इनके सुलेमान दाऊद के बेटे उनके साथ गए तो फिर इन ओशन गेट ये के बाहर के हल को बनाया था फाइबर से कार्बन फाइबर से और यहाँ तक नहीं एक ओशन गेट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भी कंप्लेन की थी इसके बारे में कि देखो इन लोगों ने कार्बन फाइबर के बारे में ये कार्बन फाइबर से ही बनाया है ये तो ओ, सेफ्टी को तोड़ रहा है और स्टॉक्टर रश ने भी बोला था एट सम पॉइंट से 50 is just a pure waste i आई मीन इफ़ यू वॉन्ट टू बी सेफ गेट इन योर बैड डोंट गेट इन योर कार डोंट डू एनी थिंग तो फिर इसी बात को लेकर वो चले थे वो चले थे ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एटीनथ जून नीचे रवाना हुए टाइटेनिक के ब्रैकेज को देखने के लिए ये नीचे गए और ए, 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 प्रॉक्सीमिलिटली दो घंटे लगते हैं टाइटेनिक के ब्रैकेज को पहुंचने के लिए और टाइटेनिक के ब्रैकेज में जहाँ पे वो है उधर इतना प्रेशर है कि जैसे कि मेरी उंगली का एग्जांपल ले लो एक स्क्वायर इंच है इसका इसमें हाथी जितना वेट लगा होगा तो सोचो आप कितना वेट लग सकता है और जहाँ पर टाइटेनिक उधर पाँच हजार PSI का प्रेसर है जो इतना ज़्यादा है इतना ज़्यादा है इतना ज्यादा है कि उसी की वजह से सम्बरीन जीरो पॉइंट थ्री मिलीसेकंड में पिचक गई ऐसे तो फिर ये नीचे जाए और एक घंटे फोर्टीफाइव मिनट्स में जो ऊपर पोलार प्रिंस नाम का एक शिप था हाँ वो सिर्फ एक ही ज़रिया था कांटेक्ट करने के लिए बाहर की दुनिया से उससे कम्युनिकेशन भी लूज कर जाती है ये शिप और फिर इनका सरफेस से करने के टाइम में भी जब ये वापस ऊपर नहीं आते हैं तब जो पोलार प्रिंस में जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने तुरंत यूएसए के कोस्ट गार्ड्स को बताया कि इधर क्या बोलते हैं जो ओशन गेट की एक्सपेडिशन वाली टाइटन थी वो तो अभी नहीं आई है और उसे समीन में चार दिन के ऑक्सी चार दिन के लिए ही ऑक्सीजन था और नाइन मतलब नाइन्टी सिक्स घंटे के लिए ऑक्सीजन था तो फिर इतने देर में क्या वो ढूंढ पाएंगे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे शिप्स आते गई और इसी जगह में जो ढेर सारे जो लोकल शिप्स थे उनको भी अपनी आँखें खुली रहने के लिए बोली कि अगर टाइटन दिखे तो तुरंत हमको बताना तो फिर तो फिर सोनार स्कैनिंग भी की गई सरफेस में स्कैन नहीं किया आर को डिप्लॉय की गई सोनार स्कैनिंग्स डिप्लॉय की गई दो यूएस और दो अमेरिकन को प्लेन्स आए 19 उसके अगले ही दिन पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया कि इस उम्मीद से कि टाइटन मिल जाए उन समय ख़त्म होते है। ए, जा रहा था और अभी भी उनको टाइटन का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था और जो ऊपर थे वो भी घबरा रहे थे बहुत और टाइटन को मिलने की उम्मीद भी उनसे खो रही थी और ढेर सारा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करता है और भी कंडक्ट करता है और भी कंडक्ट करता है बाद में जाके जब ट्वेंटी फर्स्ट जून इनको कुछ मिलता है कुछ बैंक साउंड मिलती है इनको जो अंडर वाटर सोनार्स ने डिटेक्ट की थी ये फिर उसके बाद आर को तुरंत मतलब रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को भेजा जाता है टाइटेनिक के व्रैक के पास एक बड़े ही शॉकिंग चीज़ उस आर ने देखी कि एक पास में ही टाइटेनिक के कुछ ही जो आगे का वो जो नहीं होता जहाज का जिससे आगे से आगे से चलता है उधर दूर एक टाइटन का पीछे का आ, एक पार्ट मिलता है और ये कंफर्म हो जाता है कि कि जो टाइटन सम्बरीन थी वो कैरेस्ट्रिक इम्पोलोजन की वजह से ख़त्म हो गई और 0.3 पॉइंट में ये सारा काम डन हुआ इतना आ, कम टाइम की एक ब्लिंक ऑफ आई ही में एक, एक मतलब एक ब्लिंक ऑफ आई में ही सम्बरीन पूरी पिचक गई तो फिर आ, फिर कंफर्म कर दिया गया कि अब वो उनके जिंदा रहने का चांस नहीं है क्योंकि अब पूरे से पिचक गई थी और उसके बाहर टाइटेनियम कैप तो ठीक थी लेकिन जो कार्बन फाइबर की बॉडी थी वो पूरा तहस महस हो गई थी और सारे लोग भी उसके अंदर मारे गए थे तो फिर तो फिर स्टॉकटन रश का भी नाम आ जाता है उसी लिस्ट में द पीपल हुर किल्ड बाई देयर ओन इन्वेंशंस, जो लोग अपने ही इन्वेंशन से मारे गए तो फिर इसी की वजह से कार्बन फाइबर की वजह से ही पिचक गया पूरा ऐसे और उनकी ही वजह से कार्बन फाइबर जो था सेफ्टी लॉ तोड़ने की वजह से ही उसको वो पूरा से पिचक गया और स्टॉक्टर रश और सारे लोग मारे गए और एक भी नहीं बच पाया तो फिर इसी बात को अब जो उस अब जो टाइटन सम्बरीन थी उसको एक वीडियो गेम कंट्रोलर के के थ्रू कंट्रोल किया जाता था ये ज़्यादा फनी नहीं है क्योंकि ये जो यूएस नेवी के भी जो कंट्रोल कुछ कंट्रोल्स होते हैं उनको एक्सबुक बॉक्स गेम कंट्रोलर से भी कंट्रोल किया जाता है बाकी जो लड़ाई हुई थी जो लड़ाई हुई थी ओशन गेट और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बीच जो CEO थे उनके बीच एक सेटलमेंट की थी लेकिन बाद में कुछ ही लोगों ने कुछ ही लोगों ने कुछ ऐसा मेल भेजा जैसे कि स्टॉकटन रश वही चीज रिपीट कर रहे थे मैंने आपको टाइटेनिक की वीडियो में बताया था कि कैसे लोग उस पर अंधा धुंध विश्वास करते थे कि शी इज अनथिंकेबल और वही कॉन्सेप्ट वो स्टॉकटन रेस रिपीट कर रहे थे उसमें ये लिखा था रिमेम्बर यू यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग शी इज़ अनसिकेबल मतलब कैसे उन लोगों ने अंधा धुंध टाइटेनिक पे विश्वास किया और वो अपनी पहली यात्रा में ही डूबी गया एक दिन ऐसा ही वक्त आएगा कि तुम भी इसमें मारे जाओगे और तुम भी ये कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहे हो तुम्हें वॉर्न किया गया है तुम्हें वॉर्न किया जाए क्या है, क्या जाए? क्या है? क्या जाए? क्या है? तुम सेफ्टी क्यों तोड़ लो और लॉ के अनुसार कार्बन फाइबर से बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज उन्होंने कभी इस उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं की थी और जो कुछ दिन पहले दो हजार हज, बारह में टू थाउजेंड ट्वेल्व में एक ओशन टाइटन में एक बिलियनर को एक टाइटन ले भी गई थी टाइटनिक के पास कार स्टेनली उनको उधारी भी स्टॉकटन रश ऑपरेट कर रहे थे टाइटन को और उन्हें कुछ क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई दी वैसे उन्हें स्टॉक्टन रश बिल्कुल यकीन था क्योंकि वो डिज़ाइनर थे ए, टाइटन संबर के तो उसमें जब क्रैक्स आए तब उन्हें थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बाद में उन्होंने बोला शायद से वो कोई चेतावनी ही होती थी साई कोई चेतावनी होगी जिससे आगे चल के ये पूरे टाइटन भी चाहे डूब भी सकती है ऐसे कैरेस्ट्रिक इम्प्लोजन भी हो सकता है और, ए, और ए, उन्हीं लोगों ने भी ये बात प्रिडिक्ट की थी ये बात प्रिडिक्ट की थी जिसने मेल की थी कि तुम तुम्हारा वो टाइटन डूब जाएगा ऐसे कैरेस्ट्रिक इम्प्लोजन हो जाएगा और ए, तुम उस पर नहीं बचोगे और स्टॉक्टर इग्नोर कर देते हैं तो ये, ये सब स्टॉक्टर की गलती माने जाती है लोग पर और ओशन गेट के सेफ्टी ही, पर आवाज़ उठाई जाती है आवाज़ उठाई जाती है कि तुमने कार्बन फाइबर से क्यों बनाया जो उसकी हल बनी थी वो कार्बन फाइबर से बनी थी वैसे तो फिर उसकी ही वजह से पांच लोगों ने अपनी जान गंवाड़ा ली तो फिर ये, ये थी टाइटन की स्टोरी उम्मीद आपको पसंद आई होगी आप लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और चैनल को और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और अगर आपको पसंद आई होगी तो फिर बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में और पता चले कि कब मेरी नई वीडियोज़ आ रही है थैंक यू धन्यवाद बाय